अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कोरोना से मरने से तो भूखे मर जाएंगे, उससे अच्छा हमारा लॉकडाउन होता। उससे आगे हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम लॉकडाउन झेल सकते हैं। अब ये लॉकडाउन खोलो और लॉकडाउन आता आपको ही चाहिए नहीं। अभी लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला, इसके लॉकडाउन आप ओपन कर लो और ज्यादा ज्यादा मात्रा में जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो बढ़ाओ। पिछले 4 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में भी इसका व्यापक असर है। इस वक्त मैं नवी मुंबई में हूँ और यहाँ पर जितने भी कारोबार और जितने प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से ठप है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन चल रहा है। ऐसे में कारोबार को लेकर जो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए भुखमरी की नौबत आ गई है, क्योंकि काम धंधा नहीं है तो पैसे नहीं है और घर में कैद रहने से घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे जो कारोबारी प्रतिष्ठान है उसके जुड़े हुए लोग हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानेंगे उनकी इस वक्त कंडीशन क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या लॉकडाउन और आगे एक्सटेंशन होना चाहिए या जिंदगी जीने के लिए उनको और मौका चाहिए ताकि वो लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ पैसे पहले जिस तरह से रहते थे उस तरह से रह सकें। हमारे साथ इस वक्त एक मैडम है, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है मैडम? सुनीता भोसले। किस तरह की दिक्कत आप महसूस कर रही हैं पिछले 4 महीनों के लॉकडाउन से? वो तो कहने के लेवल की भी बात नहीं है, हमें एक रोजगार दो नहीं तो लॉकडाउन होता, हम भूखे मर रहे हैं, तो हमें खाना चाहिए। अभी कितनी तकलीफ झेला आपने पिछले 4 महीनों? 4 महीने से तो बताने के काबिल भी नहीं है तकलीफ, तो अभी हम नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है आपको अगर लॉकडाउन एक्सटेंशन हुआ तो और क्या हो सकता है? तो हम भूखे मरेंगे, कोरोना से मरने से तो भूखे मर जाएंगे, उससे अच्छा हमारा लॉकडाउन हटाओ नहीं तो हमें रोजगार दो। किससे मांगना चाहती हैं आप रोजगार? सरकार से। कौन जिम्मेदार है आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन से अगर आपके पास आर्थिक तबाही आ रही है या कारोबार ठप है या जीने की मुश्किल हो गई है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानती हैं? सरकार से सर, हमने सरकार को हमने कोऑपरेट किया, चलो कोरोना के लिए उन्होंने हमें सुरक्षित दिया, लेकिन इसके आगे तो हम नहीं झेल सकते, हम भूखे मर रहे कोरोना से, तो अच्छा भूखे मर रहे उसी के रास्ते पे हम लोग आ गए। तो फिलहाल क्या उम्मीद आप कर रही हैं कि अब लॉकडाउन जो है नहीं, अब लॉकडाउन हटाओ और हमें नहीं चाहे हम कोरोना से मरे तो उससे भूखे मर रहे उससे अच्छा हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। मतलब ये है कि अब लॉकडाउन जो है वो सर के ऊपर जा रहा है, तो जैसा उन्होंने खुद कहा कि अब लॉकडाउन अगर नहीं हटा तो भुखमरी से वो मर सकते हैं, तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है लॉकडाउन हटाने की मांग चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मुसीबत आपको दिख रही है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंशन हुआ तो और क्या मुसीबत? तो बहुत मुसीबत है, लॉकडाउन हटने ही मांगता है, लॉकडाउन जरूरी नहीं है, क्योंकि आज 4 महीना 5 महीना हो गया है लॉकडाउन करते करते, वापस 10 दिन रखता है, 4-10 दिन के बाद वापस खोलता है, दुकान चालू करेगा कैसा कैसा अपने करेगा, आदमी लोग परेशान हो गया, हम लोग परेशान हो गया, सब परेशानी है, इसके लिए लॉकडाउन हटना मांगता है बिल्कुल नहीं। इसके लिए बोला कि अभी 10 दिन रखा, वापस बोलता है अभी बंद करो, बंद करके जाएगा कहाँ, हम लोग 4 महीना घर पे रुका, 4 महीना रुकने के बाद भी वापस बोलते हैं बंद करो, ये कौन सा हिसाब है? इसके लिए मेहरबानी करोगे और लॉकडाउन नहीं मांगता है, वही मेरा कहने का मतलब। क्या किस तरह की दिक्कत अभी हो रही है आपको? दिक्कत हो रहा है खाना पीना, पैसा नहीं है मैन, तो खाना पीना कहाँ से खाएगा बोलो, 4 महीना हो गया हम लोग ऐसे ही, 5वां महीना चल रहा है, खाने को राशन नहीं है, कहाँ से लाएगा पैसा बोलो, बच्चे लोग है, आदमी लोग का पकार देने का है, दुकान का भाड़ा देने का है, EMI भरने का है, 5 महीना हो गया, कहाँ से लाएगा, धंधा नहीं करेगा तो हम कहाँ से लाएगा, रोड पर आ जाएगा, गवर्नमेंट बोलते हो बंद करो, अरे बंद करके करेगा क्या, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही मर जाएगा, क्या करेगा बंद करके, घर पे आज 4 महीना हो गया बैठ के अभी बोला खोला वापस बोलता बंद करो, ये कौन सा हिसाब है? इसका तो भाई बंद ही लॉकडाउन मांगते ही नहीं, अब ओपन करो, जैसा रहेगा भगवान देखेगा और अपनों को ऐसे ही चलेगा, मेरा कहने का मतलब ये सर। मतलब अब भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया, लॉकडाउन खोलना पड़ेगा नेता जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपको लग रही है परिस्थितियां 4 महीने? सरकार से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि 4 महीने सरकार ने जो बोला लॉकडाउन को हमने पालन किया, इससे आगे हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम लॉकडाउन झेल सकते हैं, इसके लिए सरकार से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन हटाया जाए, हम लोग लेबर लोग हैं, लोग 12-16 जन आदमी काम कर रहे हैं, 4 महीने से बैठे हैं, जो मालिक है ओनर है वो भी खिला के अभी परेशान है, इसके लिए हम उसके आगे ना तो ओनर खिला सकता है ना हम लोग खिला सकते, हमारे बाल बच्चे भी भूखे मर रहे हैं और हम लोग भी दुखी है और ना काम धंधा मिल रहा है ना कुछ पैसा, इसके लिए रिक्वेस्ट यही है हमारे गवर्नमेंट से सरकार से कि हमें लॉकडाउन हटा के जो धंधा काम धंधा है वो ओपन कर दिया जाए।
चलिए अपने एक मजदूर की बात सुनिए कि जो कह रहे हैं कि पिछले चार महीनों से जहां पर ये काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको भोजन राशन अभी तक तो मिल रहा था, लेकिन अभी इस तरह की कंडीशन है कि जो उनके मालिक हैं वो भी अभी उस तरह से सक्षम नहीं बचे हैं कि वो उनको खाना खिला सके, तो जाहिर सी बात है इसमें लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी क्या स्थिति दिख रही है? सर मेरा नाम सुरेश चौधरी है। सर सर स्थिति तो देखिए बहुत दयनीय है। अभी पोजीशन ऐसी होगी कि चार महीने से लॉकडाउन में हम बैठे हैं, हमने सरकार की सारी बातें मानी, सारे रूल्स फॉलो किए, लेकिन लास्ट में चार महीने के बाद में सरकार ने हमें न कुछ हेल्प की है, न आर्थिक हेल्प की है, न कोई राहत पैकेज दिया है। हमारे व्यापारी जैसे हो गए या मजदूर हो गए, सरकार ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लोन वगैरह EMI मतलब सारी चीज़ें जो MSME वगैरह में लोन दे दिए, न पब्लिक हमारे जैसी पब्लिक का कोई वैल्यू ही नहीं है, न लोन में कोई हमारे लिए लोन जैसी छूट है, न छूट है, हम राहत तो बात छोड़िए हमको कहीं पे मतलब कदर ही नहीं है, हमको बिना गिनती में रखा जाता है, यानी हम व्यापारी और मजदूर लोगों को ऐसा गिना जाता है कि ये जैसे कुछ है ही नहीं है। मतलब वोटिंग के टाइम में हमको याद करते हैं और ये टाइम में हम भी चलिए, उन्होंने बोला हमको चार महीना, हमने चार महीना मारा, लेकिन अभी पूरी दुनिया अनलॉक पे चली गई है तो हम आकर क्यों बैठे सर, हम घर पे क्यों बैठे सर? आप हमें रूल्स रेगुलेशन बोलिए, हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, सैनिटाइज बोलिए, हर चीज़ बोलिए सर, हम हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन सर कम से कम एक इंसान घर पे कितना बैठ सकता है, बैठ बैठ के कितना खा सकता है, एक लिमिटेशन होती है सर। इंसान की ज़िंदगी भर की सेविंग है, वो इंसान ने चलो कहीं से सेविंग खत्म हो गई, किसी ने बाहर से लाके दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आगे सर कुछ तो होना चाहिए, आप एक गाइडलाइन दीजिए हमको, हम फॉलो करते सर, आप टाइम टेबल दीजिए, लेकिन हमको रोज खोलने दीजिए सर, बैठ के हम करें क्या सर? हर चीज़ सर होता है सर, दुकान का खर्चा हो गया, भाड़ा हो गया, हमारे खर्चे हो गए, EMI हो गई, स्कूल के बच्चों के हो गए, आज ऑनलाइन स्कूल चालू है, हर चीज़ों से प्रॉब्लम है सर। हमारे जो मजदूर बैठे हैं, हमारे जो वर्कर हैं सर, हमको बैठ बैठ के हम चार महीने से आधे पगार दिए हैं सर अभी, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम और पगार दें उनको सर? गवर्नमेंट तो हमको सर कुछ देगी नहीं, हम उम्मीद भी नहीं करते सर, लेकिन हमको एक आश्वासन तो दे कि हम खोल के भाई आप करो, आप कमाओ और आप खाओ, हम नहीं बोलते कि हमको गवर्नमेंट दे, लेकिन सर कम से कम हमको कमाने के लिए तो जगह दीजिए, बस वही है सर। कि और ये दूसरी चीज़ है कि जो नगरपालिका के हाथ में दिया हुआ है सर, ये भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि नगरपालिका अपने हिसाब से काम करती है, उनका जब मन हुआ उस दिन बोल देती चालू। अभी 20 तारीख को उन्होंने नगरपालिका ने बोला है कि ये चालू हो गया, ठीक है सर, उनका प्रॉपर है, गाइडलाइंस है, ठीक है सर, एक महीने से हम बंद करके बैठे थे, अभी 20 तारीख के बाद में चालू करने को बोला तो सर उसके दो दिन के बाद में वापस नया कुछ ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोल दिए बंद कर दो सर। और सर देखिए हम ये प्रशासन से हमने लड़ नहीं सकते सर, हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि भाई कुछ तो हम आपसे उम्मीद लेके बैठे सर, हर चीज़ से उम्मीद लेके बैठे कि बस क्या बोले अभी, चलिए आगे सर बोलने लायक बचे ही नहीं। आप उम्मीद लेकर बैठे हैं कि प्रशासन आपके बारे में सुनेगा, क्योंकि स्थिति खराब है, बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि जीने की अभी मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या स्थिति लग रही है आपको, और जिस तरह से महानगर पालिका ये लगातार लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रही है, आपको लगता है अगर और आगे बात बढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी? अभी तो सर ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि भूखमरी के जैसा हालत हो गया है, क्योंकि अभी खाने के लिए लाएंगे कहाँ से, खाना कहाँ से लाएंगे, जब भी रोजगारी चालू नहीं है, व्यापारी चालू नहीं, तो अभी हम खाना कहाँ से लाएंगे, जब आमदनी नहीं आएगी तो खाना कहाँ से लाएंगे, खाना नहीं आएगा तो भूखमरी चालू हो जाएगी। अगर आज के अभी आगे जो अगर लॉकडाउन बढ़ाया गया, अगर नहीं खोला गया, तो आने के समय में भूखमरी बहुत ज़्यादा होएगी, क्योंकि खाना नहीं आएगा तो भूखमरी आएगी। मेरे हिसाब से तो आगे लॉकडाउन खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं खोला गया तो अभी भूखमरी सही होने वाला है। मतलब आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो अब बचना मुश्किल है? क्या कहना चाहेंगे सर आप, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार प्रशासन एक के बाद एक एक्सटेंड कर रहा है, कंटेनमेंट जोन बना रहा है, और जबकि ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि नागरिकों की जिंदगी बची रहे, अब कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि भुखमरी से आगे बचेगी जिंदगी? सर जी हम लोगों ने व्यापारी मंडल जो भी अभी जो भी गवर्नमेंट का रूल्स था उसको हमने चार महीना फॉलो किया। अब चार महीने के बाद फिर अगर आगे और लॉकडाउन चालू करते हैं तो हम लोग जो है कोरोना बीमारी तो है, ये तो बीमारी है, इसका तो हम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बीमारी से पहले हम भूख से मर जाएंगे। हमारे अदर वर्कर लोग जो है ये लेट टाइम पे उनकी इतनी हालत खराब हो गई, खाने को भी उनके वांदे हो रहे हैं, यहाँ पे तीन टाइम खाना उनको मिलता था, अभी दो टाइम का एक टाइम ही हो रहा है, उनको खाना बराबर मिल नहीं रहा है। इसके लिए अब लॉकडाउन नहीं चाहिए, और लॉकडाउन में भी अभी ये जैसा अगर हमारा बिजनेस चालू भी होता है तो अभी हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हम दिन भर दुकान खोल के बैठते हैं तो हमको
एक ही दो ही कस्टमर आते हैं, उसमें से एक ही दो हमको मिलते हैं, बाकी ऐसे कस्टमर अभी सबके पास भी पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं हो रहा है, ऐसा हालत है। इसलिए अभी हमको कोरोना तो बीमारी है, वो तो जब आएगी तब आएगी, हम देख लेंगे। अगर हमको मरना ही है, अगर बीमारी से ही मरना है तो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी भूख से नहीं मरना है। हमारा ये मकसद है अभी, अभी लॉकडाउन खोलो और लॉकडाउन अंदर हमको ही चाहिए नहीं अभी। कितने मजदूर आपको लगता है कि इस तरह से परेशान है लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोजी रोटी छिन गई है? मजदूर अभी आप बोलेंगे तो 100% मजदूर सबका यही हाल है, कोई मजदूर सुखी नहीं, अभी सबको खाने के वांदे हो गए हैं, कोई खाने के घिस घिस के, अभी 4 महीना तो आदमी कैसा करके कम ज्यादा करके खाए, अभी ऐसा आदमी वांदा हो गया कि मजदूर लोग खाने को वांदा हो गए उनके। अभी जहाँ पे 3 टाइम उनको खाना मिलता था, अभी 2 टाइम में 1 टाइम में उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलिए, सरकार का मकसद था कि लॉकडाउन इसलिए रहेगा ताकि लोग सुरक्षित रहेंगे और आपकी जिंदगी बची रहेगी, एक मकसद तो पूरा हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर आगे ये नहीं रहा तो ना तो लॉकडाउन से कोरोना तो दूर है लेकिन अब लोग मर जाएंगे? सर जी, सरकार का जो मकसद था हमको सुरक्षित रखना, उसका मकसद ठीक था, लेकिन सुरक्षित रह के भी हम मर जाएंगे तो हमको क्या मतलब है लॉकडाउन में रखे, उस लॉकडाउन का क्या मतलब, क्या मतलब है? बिल्कुल मैडम, आपसे दोबारा मैं पूछना चाहूंगा कि आप इसे आप कितना सार्थक मान रही हैं, क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक शुरू कर दिया है लेकिन अभी भी आप लोकल लेवल पे देखेंगे तो लॉकडाउन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ का जो लोकल प्रशासन है या जो स्थानीय सरकार है वो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है? यस, ये जैसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, और मैंने खुद देखा है कि हमारे लिए नहीं, लेबर के लिए मैंने 3 महीना अपना घर संभाल के उनका भी देखा है, उनके आंसू में खुद इतना परेशान हो गई हूँ कि मेरे पास भी इतना तो नहीं है, मेरा रोजगारी चलेगा तो उनकी पे मिलेगा, मैं उनका भी देख रही हूँ और मेरा भी देख रही हूँ। अब ये हालत ऐसी हो गई है ना कि मैं कोरोना से तो नहीं, लेकिन रोज भूखे से तो जरूर मरूंगी अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो। हमने जितना चाहिए उतना कोऑपरेट किया, और इतना नहीं कि मैंने अपने लेबर के लिए भी इतना कि आप वो मैं बता भी नहीं सकती, इतना हालत बेकार हो गया हमसे भी ज्यादा उनका। यस, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब स्थितियां ऐसी हैं जो कंट्रोल के बाहर चली गई हैं। मैं अभी ये जैसे आपने सुना कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिष्ठान में किसी न किसी कारोबार में काम करते हैं, अब उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनके जो मालिक हैं वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो उन्हें मदद कर सकें, उन्हें राशन दे सकें या उन्हें रोजी रोजगार दे सकें। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं दशरथ भगत साहब। आप नवीन सामाजिक पुनर्वसन संस्था के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं लंबे समय से, पिछले 4-5 महीनों से। सर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, जो सरकार ने ये मकसद रखा था कि लॉकडाउन अगर रहेगा तो ही हम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको उनकी उनका जो आरोग्य है वो सुरक्षित रहेगा, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, आप अब जब इतने लंबा समय इतना निकल चुका है तो आपको लगता है कि अब ये मकसद जो है उनका पूरा हो गया और अब इस स्थितियों को बदलने के हिसाब से फैसलों को भी बदलना चाहिए और लॉकडाउन को अनलॉक करना चाहिए? अभी जो 4 महीना जो हमने भारतीय कानून 1897 साथी रोग प्रतिबंध ये कानून का हमने समर्थन किया, सम्मान किया, और वो कानून ने हमें 4 महीना उस कानून ने हमें जीवित का रक्षण और आरोग्य की रक्षण किया है, हम मानते हैं। और इतना होने के बावजूद भी ये जो कोरोना की बीमारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यस, लेकिन आज हमें या लोगों को या श्रमिक है जो बेरोजगार है उनको अभी ये कानून 4 महीने ने उन्होंने हमें सुरक्षा दी है बीमारी की और जीवित की, लेकिन आज लोग भूखा मर रहे हैं और भूखा मरेंगे, और इसीलिए वो कानून अभी काम में नहीं आएंगे, वो कानून अभी निष्प्रभ हो गए। अभी हमारा ये कानून है कि जीवित रहने का जो हक है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया और संविधान में हमें स्वतंत्रता, नागरिक सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक को जीवित रहने का जो हक है और वो अधिकार है, वो अभी अधिकार चाहिए। इसलिए आज लॉकडाउन के माध्यम से हम रोजगार नहीं दे सकते तो लॉकडाउन ओपन करके रोजगार दे दो। रह गया स्थानीय स्वराज्य संस्था जो लोकल बॉडीज है, कॉर्पोरेशन है, उनको जो अधिकार दे दिया लॉकडाउन करने का, फिर P1 P2 शाम को 5 बजे तक दुकान खुला रखना, फिर हॉटस्पॉट, ये जो पार्ट लॉकडाउन है
ये लॉकडाउन नहीं है, ये रोजगार खत्म करने का कार्यक्रम है। जब लोकल बॉडीज रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का हक नहीं है। आज दुकानदार को अनलॉक किया, उनको बोला कि आप दुकानदारी आप दुकान ओपन करो, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव होता है तो पूरी सोसाइटी, फिर वो सोसाइटी में 200 फ्लैट हो, 100 फ्लैट हो या कितना फ्लैट हो, सब फ्लैट बंद, दुकान चालू, लोगों को बंद कर दिया, फिर दुकान कैसे चालू किया। मेरा ये कहना है कि अभी हमने जो 4 महीना जो लॉकडाउन में ये संसर्ग, ये साथी का रोग, ये रोग है, ये आजार है, बीमारी है, ये बीमारी रुक नहीं सकी तो अभी आगे क्या रुक सकती, क्योंकि लोगों का जो घूमना फिरना है वो तो हम रुका नहीं सकते। जो अत्यावश्यक सेवा है या लोगों को खाना लिया, जो फूड लेने के लिए घर के बाहर जाना है, काम के बाहर जाना है या रोजी रोटी के लिए बाहर जाना है, उनको जाना ही पड़ेगा, उसको हम रुक नहीं सकते। जब ये जो संचार नहीं रुक सकता है तब तेरा संचार कैसे रुक सकता है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, अभी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि प्रथम जो लोकल बॉडीज को अधिकार दिया, हक दिया है लॉकडाउन का, वो जो स्वायत्त संस्था करके स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो खुद का अधिकार है, खुद का अधिकार खुद के पास रखो, वो लोकल बॉडीज के पास देने की आज बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि लोकल बॉडीज को रोजगार देने का हक नहीं है। वो सिर्फ बीमारी कैसा कम हो, लॉकडाउन के माध्यम से कम होगा ऐसा उनके मन में है, लेकिन 4 महीने तो किया ना हमने, 4 महीने 100% लॉकडाउन होने के बाद भी ये संसर्ग नहीं रुक सकता है तो पार्ट लॉकडाउन करने से क्या रुकेगा। तो इसीलिए ये जो राइट्स है, वो हक है, वो अधिकार है, वो अधिकार गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने उनके पास लेना चाहिए, वो लोकल बॉडीज का हक नहीं है। अभी ये जो हमारे भाई उनका एक ही कहना है, अभी हमें जीना है, भूखमारी से नहीं मरना है। यस, क्योंकि ये लोग अभी आजकल ये रस्ते पे आने वाले है, इसके अंदर कायदा और सुव्यवस्था जो लैंड एंड लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये वो धोखे में आएंगे, उसका दिक्कत होगा। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से या लोकल बॉडी से रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं, हमारे उनके कार्य पद्धति है, वो जो सिस्टम उनसे लड़ाई है, जो कानून है 1897 का वो अभी साइड में रखो, उनका रस हो गया, अभी वो कानून हमें भूख से मारा मारेंगे अभी वो कानून। इसीलिए हमें जीवित रहने का जो हक है, जीवित रहने का कानून है, वो हमें अभी बहाल होना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। इसीलिए अभी हमारा यही कहना, सब नई मुंबई हो, नई मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या नेशनल हो, अब ये लॉकडाउन नहीं होना है, लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। इससे जब लॉकडाउन ओपन करो और जो उपचार की सुविधा है वो बढ़ाओ, वो उपलब्ध कराओ, लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। इसके लॉकडाउन आप ओपन कर लो और ज्यादा ज्यादा मात्रा में जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो बढ़ाओ, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जब उसको मेडिसिन खाना है तो मेडिसिन खाने के लिए फूड चाहिए, जब फूड नहीं रहेगा तो मेडिसिन कैसे खाएंगे, जब पैसा तो चाहिए ना मेडिसिन फूड खरीदने के लिए, तो मेडिसिन कैसे खाएंगे। लेकिन आज लोकल बॉडीज का अंडर में पुलिस आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आप हमको खाना है, हम आपको खाना नहीं देंगे, लेकिन आपको हम गोली देंगे, एक मेडिसिन की गोली देंगे और बंदूक की भी गोली देंगे। इस तरह से जो व्यवहार चल रहा है, इस तरह से जो लग रहा है ऐसा, ये गलत हो रहा है। जैसा आपने सुना कि खुद दशरथ भगत जी कह रहे थे कि जो लोकल बॉडी है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल को डिसओबे करके अपने तरीके से ये लोकलाइज लॉकडाउन लगा रही है और उसका खामियाजा जो है आम जनता भुगत रही है। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है, लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार ठप है, जब जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो न परिवार चलेगा न घर चलेगा। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि अब इस लॉकडाउन को हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। और जो उसके इंतजामों की बात है कि अगर महानगर पालिका एक जिम्मेदारी निभाती है कि जो आरोग्य की सेवा और सुविधा है वो बेहतर ढंग से उपलब्ध कराती है तो लोगों को इसका मौका मिलेगा, वो बाहर अपना कामकाज करेंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ रह सकेंगे। उम्मीद हम कर रहे हैं कि नई मुंबई महानगर पालिका अपने आइडियल रवैये को और जबरन थोपे जा रहे इस लॉकडाउन को खत्म करेगी और लोगों को उनका जीने का अधिकार जरूर देगी। कैमरामैन सौमेन के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।